नमस्कार दोस्तों मैं राकेश मेहरा राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का कर्ण जी के सीरीज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं कर्ण जी के सीरीज में आज मैं भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर चर्चा करने जा रहा हूं जो आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है तो आज हम आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ बातें करेंगे और एक इसी के साथ आपको मैं एक सूचना और देना चाहूँगा कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज के तहत अब मैं एक नया टॉपिक ऐड करने जा रहा हूँ और वो है इंडियन आर्ट एंड कल्चर भारतीय कला व संस्कृति हालांकि इस टॉपिक को पहले हम करते रहे हैं लेकिन वो हिस्ट्री में ऐड करके या अन्य किसी तरीके से ऐड करके उसको कराया जाता रहा है लेकिन अब हम इसको एक नए रूप में एक्सप्लेंड तरीके से करेंगे तो इसकी शुरुआत मैं ऑनलाइन पेड कोर्स में करने जा रहा हूँ और इसको हम जल्द ही शुरू करेंगे और जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं जब क्लासें स्टार्ट होगी तो उनको वहाँ भी इंडियन आर्ट और कल्चर एक अलग रूप में करवाया जाएगा तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन से संबंधित कुछ नई अपडेट से संबंधित सूचनाएं थी जो मैंने आपको दी इसके अलावा एक और सूचना है कि जनरल साइंस के ऑनलाइन पेड कोर्स के तहत जनरल साइंस का पार्ट ट्वेल्व अपलोड कर दिया गया है आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो और यहाँ पर आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको जो भी ये कोर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है ये सारा अपडेटेड है और करंट जीके से रिलेटेड होता हुआ है आप कह सकते हो कि इसमें करंट जी जो है ऐड किया गया है अब करंट जीके जो ऐड किया गया है इस कारण से थोड़ा वक्त लगता है तो यदि अपलोड होने में वीडियो के अपलोड होने में यदि थोड़ा वक्त लग जाए तो थोड़ा पैसन बनाए रखें ये आपके हित के लिए ही है और आपके एग्जाम के क्लियर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए इसी कारण से इसको अपडेट रखा जाता है कर्ण जी के से रिलेटेड किया जा रहा है अब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मंजूरी ये मंजूरी दी गई है रथ यात्रा को मंजूरी दी गई है ये धार्मिक भावना को देखते हुए की गई है और मज़ेदार बात यह है कि इससे संबंधित जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी वो एक मुस्लिम युवक ने लगाई थी 19 वर्षीय एक लड़का था उसने लगाई थी कि इस यात्रा को रोका ना जाए क्योंकि ये कई लोगों की धार्मिक भावनाओं आस्था का एक तंत्र है तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आस्था को देखते हुए उन्हें यह मंजूरी दी है और यह मंजूरी देने के लिए एक पीठ गठित की गई थी यह थोड़ा ध्यान रख लेना लिख लो इसके लिए जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक पीठ गठित की गई थी जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक पीठ गठित की गई थी अब देखिए जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है ये जो भगवान जगन्नाथ है भगवान विष्णु है भगवान विष्णु से इनका भगवान विष्णु का ही दूसरा नाम है श्री कृष्ण जी कह सकते हो ये जो रथ यात्रा होती है ये नौ दिन की रथ यात्रा है नौ दिन की रथ यात्रा है यह अपना आपने थोड़ा ध्यान देना है और ये जो भगवान जगन्नाथ जी का जो मंदिर है ये पूरी ओडिशा में है तो ओडिशा की एक धार्मिक नगरी है जहाँ भगवान जगन्नाथ जी का ये मंदिर है यहाँ से रथ यात्रा निकली जाती है अब ये जो रथ यात्रा होती है इसमें क्या है तीन रथ होते हैं इन रथ का नाम आपको आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से ध्यान रखना पड़ेगा ये पूछे जाते हैं और कुछ शब्द होते हैं उनका भी आपने ध्यान रखना है देखिए एक शब्द है छेरा पनाहरा ये इंपॉर्टेंट शब्द है आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन होते हैं यहीं से उठते हैं ये क्या है छेरा पनारा? इसमें लिख दीजिए इसके तहत पूरी के राजा मतलब राजसी परिवार को यह अधिकार होता है पूरी के राजा इस मंदिर कौन सा जगन्नाथ जी का मंदिर जो कहां है पूरी ओडिशा में है इस मंदिर की रथ यात्रा में सोने की झाड़ू लगाते हैं यह बहुत शानदार क्वेश्चन है ध्यान रखना छेरा पनाहरा पहानरा तो यह आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है एक ए, एक कंटेंट बन जाता है यह अब देखिए तीन रथ कौन कौन से हैं इस रथ रथ यात्रा में जो कि ये नौ दिन की रथ यात्रा है इसके बारे में यह कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ है वो जनता के हालात को देखने के लिए निकलते हैं और इस रथ यात्रा में जो तीन रथ होते हैं एक तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है एक बलराम जी का रथ होता है एक सुभद्रा जी जो इनकी बहन थी उनका रथ होता है इन रथ के बकायदा नाम और इनके सारथी का नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है पुराने पेपर जब देखते हैं तो आर्ट एंड कल्चर में इसी टाइप के क्वेश्चन बने हुए हैं तो एक तो इसके अंदर है भगवान जगन्नाथ का रथ एक बलराम जी का रथ और एक है सुभद्रा जी का रथ आपने जो एग्जाम की दृष्टि से ध्यान रखना है वो एक तो रथ का नाम याद रखना है आपने एक सार्थिक का प्रतीक क्या माना सारथी को क्या माना गया है उसका नाम क्या रखा गया है तो भगवान जगन्नाथ जी के जो रथ का नाम है यह है नंदी घोष इसको ध्वज भी बोलते हैं और इनके सारथी का नाम है मातली मातली और बलराम जी के रथ का नाम है ताल और इनके सारथी का नाम है सन्य की और इनके रथ का नाम है दर्पदल और सारथी का नाम है अर्जुन ये आपको ध्यान रखना है अब ये नौ दिन की यात्रा होती है रथ निकलते हैं और नौ दिन की यात्रा के बाद ये गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं ये गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं ये जो गुंडीचा मंदिर है ये भी पूरी ओडिशा में ही है और यहां पर ये सात दिन रहते हैं अब देखिए ये गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं सात दिन रहते हैं इसी कारण से ये जो रथ यात्रा होती है इसको एक नाम दिया गया है गुंडीचा महोत्सव बोलते हैं अब ये शब्द आपके लिए अपने आप इंपोर्टेंट हो गया आपसे पूछा जा सकता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के संबंध में जो करंट में चर्चा में है और सुप्रीम कोर्ट ने जब इंटरफेयर किया है तो अपने आप में ये एग्जामिनर की पसंद बन जाता है आपसे पूछा जा सकता है कि गुंडीचा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है तो उसका संबंध ओडिशा की पूरी नगरी से संबंधित है ये क्लियर तो ये थोड़ा ध्यान रखें ऐसे जो क्वेश्चन मैं आपको बना के बता रहा हूं वो उन पर गौर करें अब देखिए नौ दिन की यात्रा है उसके बाद इनकी वापसी होती है अब देखिए इनकी जो वापसी की यात्रा है इसे कहते हैं बाहुड़ा यात्रा इसको बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है तो ये थोड़ा ध्यान रखें अब हमारे पास कई शब्द आ गए हैं एक तो बाहुड़ा यात्रा मतलब वापसी की यात्रा और दूसरी बात गुंडीचा महोत्सव तीसरी बात छेरा पहानेरा और एक ये जो नाम है भगवान जगन्नाथ जी के रथ का क्या नाम होता है उनके सारथी का क्या नाम है ये या कितने रथ होते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें इस टाइप का भी एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है आपसे कि भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो कि हाल ही में चर्चा में रही उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है या कौन कौन से कथन सही है या कौन कौन से कथन गलत है इसको किसी भी रूप में पूछा जा सकता है तो यहाँ से आपके वो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं और जो कथन है स्टेटमेंट है वो यहाँ से नहीं या हाँ के रूप में मिल जाते हैं आपको क्लियर तो एक बार आप इसको उतार लीजिए तो दोस्तों आज हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को आर्ट एंड कल्चर के तहत जानने का प्रयास किया और पुराने पेपर में जिस हिसाब से क्वेश्चन बने हुए हैं उन्हीं को आधार बनाकर हमने इस टॉपिक को पूरा किया है और इसको और विस्तारित रूप देने के लिए हम ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के पेड कोर्सेज के तहत इसको एक्सप्लेन रूप से पेश करेंगे और ऑफलाइन कोर्स जब क्लासेज चलेगी तब भी हम इसको एक नए सब्जेक्ट के रूप में शामिल करेंगे हालांकि हम इस टॉपिक को पहले भी करते आ रहे हैं लेकिन मैंने कहा एक्सप्लेन एक्सप्लेन रूप में हम इसको एक नए सिरे से पेश करेंगे और यही आज के एग्ज़ाम की डिमांड है तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त दीजिए आप सभी को मेरा नमस्कार